अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथे धांसि समे धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मियों के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धा वालभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लद्वा परां शान्तिः अचिरेणाधिगच्छति। जितेन्द्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम् लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकी और श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम् हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चेत् त्वेनं संशयं योगं अतिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए
हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।